हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मजे में होंगे। आज हम लोग एक स्टोरी जानेंगे, द लायन एंड द माउस, इंग्लिश रीडर थर्ड लेसन 11, द ओल्ड काकी। वन डे अ लायन ले डाउन अंडर अ शेडी ट्री टू स्लीप। एक दिन एक शेर छायादार वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। व्हाइल ही स्लेप्ट अ प्लेफुल माउस रैन ओवर हिज बॉडी। जब वो सोया हुआ था तो एक चंचल चूहा उसके शरीर पर दौड़ने लगा। द लायन वोक अप, शेर जग गया। ही पुट आउट हिज ग्रेट पॉ, वह अपने बड़े पंजे को बाहर निकाला एंड वाज जस्ट गोइंग टू किल द माउस, और बस अब चूहे को मारने ही वाला था। द लिटिल माउस बेग्ड फॉर मर्सी, छोटे चूहे ने दया की भीख मांगी। द लायन टुक पिटी ऑन हिम, शेर को उस पर दया आ गई एंड लेट हिम गो, उसने उसको छोड़ दिया। द माउस थैंक द लायन, चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया। आई विल ट्राई टू रीपे योर काइंडनेस, सेड द माउस, चूहे ने कहा, मैं आपकी इस दयालुता के कार्य को अवश्य चुकता करूंगा। द लायन लाफ्ड एट दिस, शेर इस पर हंसा। सेवरल डेज पास्ड बाई, बहुत से दिन बीत गए। देन व्हाइल हंटिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में शिकार करते समय द लायन वॉज कॉट इन अ ट्रैप, शेर जाल में पकड़ा गया। ही स्ट्रगल्ड एंड रोल्ड टू गेट फ्री, उसने आयात होने के लिए संघर्ष किया और दहाड़ा। द लिटिल माउस हर्ड द नॉइज, छोटे चूहे ने उसकी आवाज सुनी एंड रैन टू हेल्प हिम, और उसकी मदद के लिए दौड़ा। एट वंस ही बिगन टू निबलिंग एट द मैसिव रोप्स विद हिज शार्प टीथ, वह तुरंत ही अपने नुकीले दांतों से मोटे रस्सियों को काटने लगा या कुतरने लगा। After much hard work, काफी कठिन मेहनत के बाद he gnawed through the ropes, वह रस्सियों को काटने में सफल रहा। At last the lion was set free, अंत में शेर आजाद हो गया। Good deeds are rewarded, अच्छे